नमस्कार दर्श न्यूज पर बुलेट न्यूज फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। बिहार में टीचर भर्ती परीक्षा फेज टू की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। ऐसा EMRS की परीक्षा के चलते किया गया है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 14, 15 और 16 दिसंबर वाली परीक्षा अब 7, 14 और 15 दिसंबर को होगी। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का उद्घाटन आज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करेंगे। यह मेला 26 दिसंबर तक चलेगा। संपूर्ण मेला अवधि में सांस्कृतिक पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि सोनपुर मेला को भव्य बनाने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा कई सारी तैयारियां की गई है। पटना में आयोजित होने वाले भीम संसद को लेकर JDU ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। भीम संसद 26 नवंबर को पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित की जाएगी। SC एवं ST कल्याण मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि रैली में शामिल होने वाले लोगों के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि इस कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी इलाके से लोग भाग लेने आ रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जमकर सियासत हो रही है। RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार की आवश्यकता भी है और अधिकार भी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर उन्होंने कहा कि भाजपा लंबे समय से अपने दोहरे चरित्र और विभाजनकारी नीतियों के चलते इसे जानबूझकर रोके हुए है। बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि लालू प्रसाद जी का एक बयान सामने आया था कि नरेंद्र मोदी अशुभ है। हाँ, एकदम अशुभ है। किसके लिए? इंडिया गठबंधन के लिए अशुभ है। जब तक नरेंद्र मोदी राजनीति में है, तब तक उन लोगों के लिए राजनीतिक तौर पर काल के रूप में खड़े रहेंगे। आगे सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि अगर इस देश को श्रेष्ठ बनाना है तो फिर से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना है। ठंड का मौसम शुरू होने के साथ ही डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। शुक्रवार को पटना और आसपास के इलाके में 38 नए डेंगू के मरीज मिले। इसके साथ ही पटना जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 8,411 हो गई है। सबसे अधिक पाटलिपुत्र अंचल में 15, जबकि दानापुर में 3, बांकीपुर, अजीमाबाद, कंकड़बाग और फतुहा में 2-2, न्यू राजधानी अंचल और पटना सिटी में 1-1 नए डेंगू मरीज मिले हैं। अगली खबर झारखंड से है, जहां झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम और द्वितीय परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच अब तक पूरी नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। CBI के अनुसंधान अधिकारी को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। हेमंत सरकार का आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राज्य भर में शिविर लगने शुरू होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भी चरणबद्ध तरीके से हर जिले में जाएंगे। वह कार्यक्रम के दौरान महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभुकों को संबोधित करेंगे और उनके बीच परिसंपत्तियां बांटेंगे। इसके बाद झामुमो कार्यकर्ताओं से संवाद का भी कार्यक्रम है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। राज्य में विधानसभा की 200 सीटें हैं, लेकिन 199 सीटों पर मतदान हो रहा है। दरअसल करनपुर सीट से विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण वहां चुनाव स्थगित किया गया है। वह इस बार भी इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे। बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों का प्रचार अभियान गुरुवार को थम गया था। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे 41 मजदूरों को निकालने का अभियान अभी भी पूरा नहीं हुआ है। शनिवार यानी कि आज अभियान का 14वां दिन है। बचाव अभियान के लिए ड्रिलिंग के आखिरी चरण काम एक बार फिर बाधित होने की वजह से रोक देना पड़ा है। अब खबर खेल जगत की। भारतीय टीम ने 5 T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हरा दिया। वहीं अब इस सीरीज का दूसरा मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दोनों टीमें 26 नवंबर को आमने सामने होंगी। बहरहाल इस मैच के लिए सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम तिरुवनंतपुरम पहुंच गई है। सोशल मीडिया पर भारतीय टीम की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। अब खबर मनोरंजन जगत की।
1 दिसंबर को दो बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक दे रही हैं और ऐसे में दोनों को लेकर ही फैंस एक्साइटेड हैं। एक ओर जहां विकी कौशल सैम बहादुर के साथ आ रहे हैं तो दूसरी ओर एनिमल में रणबीर कपूर को देखकर हर कोई दंग रह गया है। ट्रेड एनालिटिक्स और सोशल मीडिया बज को देखकर ऐसा लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर एनिमल सैम बहादुर पर भारी पड़ सकती है। अब खबर मौसम की। बिहार में अचानक ठंड बढ़ गई है, इसकी वजह तापमान का गिरना था। वहीं कई इलाकों में लोगों को सुबह सुबह घनी धुंध भी दिखी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटों में बिहार का मौसम शुष्क रहा। राज्य में पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक जारी है। वहीं इस साल अल नीनो पैटर्न का विकसित होने के चलते बिहार में पछुआ हवा जल्द ही रुख बदल कर पुरवैया हो सकती है। तो फिलहाल के लिए फटाफट न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।